फ्रेंड्स आगे पुलिस वाले थे इसलिए मैंने बंद कर दी थी वीडियो और अभी मैं रेड लाइट क्रॉस कर गया हूं और आप देख सकते हैं यहां पे जाके कोहरा थोड़ा ज्यादा है। अभी पीछे नहीं था इतना, बट हाँ ट्रेवलिंग कर सकते हो सिटी में, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि सिटी में स्पीड आपकी ज्यादा होती ही नहीं है और ज्यादा नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये अपना जो शीतला माता का मंदिर निकल गया है और अब मैं चल रहा हूँ सीधा कटारिया चौक की तरफ और मैं कटारिया चौक से फिर अपना जो है सिग्नेचर टावर से लेफ्ट लूंगा और अपना जो है अपना ऑफिस सेक्टर 18 में मेरा ऑफिस है वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों अब आगे चल के पहुंच के आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अपना एक रेड लाइट और आ गई है जो कि ये अपना है सिग्नेचर टावर से पहले है, ये अपना बस अड्डे को जा रहा है ये रोड और ये आ रहा है अपना मेहरोली से आ रहा है जो कि एमजी रोड होके है। तो ये फाइनल रेड लाइट पड़ेगी, इसके बाद कोई रेड लाइट नहीं पड़ेगी और ये जल्दी ओपन हो जाती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैं लेफ्ट भी ले सकता हूँ और लेफ्ट लेके भी इफको चौक जा सकता हूँ, बट ये रोड छोटा है तो आगे जाके ट्रैफिक के चांसेस होते हैं। तो मैं आगे अपना आपका NH 58 से ही लेने वाला हूँ। और मेरे ऑफिस जाने के लिए दोस्तों दो रास्ते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब है जो सरहौल से होके जाता है, बट मैं उससे कभी कभी स्कूटी से जाता हूँ तब निकलता हूँ। तो वो मतलब रोड ख़राब ज़्यादा है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है उसकी, सीमेंटेड रोड है तो सॉकर स्कूटी में आपको पता ही है कम रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है उस टाइम पे। बाकी की इस रोड को ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, एक तो टाइम भी कम लगता है इससे, डिस्टेंस भले ही 1 से 1.5 किलोमीटर का ज़्यादा आता है बट कोई दिक्कत नहीं है, रोड थोड़ी ठीक होती है तो गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी रहेगी आपकी। तो आप देख सकते हैं ये अपना सीधा हुडा सिटी सेंटर को चला जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ दिख रहा है आपको हुडा सिटी सेंटर को जाने का। और ये अपना यहाँ से मैं अपना लेफ्ट ले लूँगा तो मैं अपना दिल्ली जयपुर वाले हाईवे पे अपना आ जाऊँगा और फिर अपना सेक्टर 18 के लिए आगे बिफ्को चौक को जैसे ही क्रॉस करूँगा अपना लेफ्ट ले लूँगा। एटलस चौक से मैं अंदर रहूँगा तो यहाँ से मैं अपना जो है लेफ्ट लूँगा, पीछे गाड़ी आ रही है उसको बहुत जल्दी थी, राइट में जाना था बट लेफ्ट में चल रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं, बट जैसे ही मैंने इंडिकेटर दिया वो समझ गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा खुला रोड है तो मैं NH 58 पे एंट्री करूँगा अपना। तो देख सकते हैं आप जो है ये कुछ मैं इस तरीके से ऑफिस अपना जाता हूँ, मैं 9:35 पे निकला था, 9:45 अप्रॉक्स हो रहे हैं तो देखते हैं ऑफिस कितने बजे तक पहुँचते हैं, मतलब मोटा मोटा 10 बजे के आसपास मैं ऑफिस में एंट्री कर जाऊँगा। अब दोस्तों मेरे पास एक्चुअली 2 पार्किंग है, एक पार्किंग क्या है थोड़ा सा स्पेस अपने ऑफिस के पीछे खाली है तो वर्किंग डे में मतलब मंडे टू फ्राइडे तो वहाँ पार्किंग मिलती नहीं है इस टाइम तक, अगर मॉर्निंग में कहीं आप 8 या 8:30 तक जाओगे तो मिल जाएगी। और हमारे ऑफिस से 500 की दूरी पे अपने ऑफिस का एक प्लॉट है जिसमें अपना ऑफिस बनना है, अभी तो रेंट पे है ये, उसमें पार्किंग है तो वो थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे है तो वहाँ से 10 मिनट वॉक करके वापस आने में लग जाते हैं। तो आज चूंकि सैटरडे है मेरा 2nd और 4th छुट्टी रहता है, 1st, 3rd और 5th वर्किंग रहता है, अगर कहीं 5th है तो इस बार 5th ही था जनवरी में तो वर्किंग था, आज भी वर्किंग है और इसके बाद में मतलब जो है वर्किंग सैटरडे में मतलब मेरे को जो पार्किंग है पहले मिल जाती है इधर ऑफिस की तरफ, तो आज देखते हैं क्योंकि मैं 9 बजे जाता था तो पार्किंग मिल जाती थी, मे भी हो सकता है मिल भी जाए और मे भी हो सकता है नहीं भी मिलेगी, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप देख सकते हैं आगे ये नई वाली सिलेरियो जा रही है मारुति की, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो गाड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा मतलब पीछे पहले से लुक इनहेंस किया गया है। अगर बात करें तो ये अपना ग्रैंड आईटोन नियोस जो है अपनी हुंडई की कुछ उसकी तरह जो है मतलब लगती है तो ठीक है, मतलब छोटी गाड़ी है तो उसके हिसाब से मतलब जो सही है। अभी CNG में दोस्तों ये लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ पेट्रोल में अभी आपकी आ रही है, तो CNG में अगर लॉन्च होगी तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको वॉक अराउंड देखना है मेरे चैनल पे तो आप जाके देख सकते हो, ट्रेवलिंग नॉलेज डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा चैनल का, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यू पड़े हुए हैं, ओनर्स रिव्यू भी हैं और नई गाड़ियों के रिव्यू भी हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों, मेरे को यहाँ से लेफ्ट लेना होगा क्योंकि आगे इस रूट पर कोई भी कट नहीं है, तो यहाँ से मैं अपना लेफ्ट लूँगा और
बस चौक रहेगा करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर, तो मैं लेफ्ट ले लूंगा। अब मैं फाइनल आपको पहुंच के दिखाता हूँ पार्किंग में। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपने ऑफिस पे पहुंच गया हूँ और मैंने यहाँ पार्किंग में लगा दी है जो कि मैंने आपको दिखाया था, यहीं पे मेरे को पार्किंग मिल गई है। पीछे कोई गाड़ी ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं ये अपना ऑफिस है, इसमें अपना ऑफिस है टावर के अंदर में, और ये आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, इस तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे एक गाड़ी और है, अब यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये अपना हुंडई की नियोस खड़ी हुई है। दोस्तों चलते हैं अंदर ऑफिस के, बाकी की निकलने के बाद मैं आपको एक बार वीडियो का एंड कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने दिखा दिया है, बाकी जैसे जैसे आगे चल के होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा आगे चल के। तो करते हैं दोस्तों अभी फिलहाल में यहीं पे एंड, आगे चल के आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स मैं कल नाइट का आपको व्यू नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था और ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने आपका वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया था। आज मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, जो कि आप अपना है 6 फरवरी संडे का दिन है और अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 1:30 के आसपास। तो मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, उसका अगर देखूंगा कि अगर वो रहेगा तो मैं उसका शूट करूंगा, अदरवाइज नहीं जो है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो करते हैं दोस्तों इसी वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।